क्या अंकिता लोखंडे को बिग बॉस ने सीक्रेट रूम में रख दिया है या फिर ऐश्वर्या इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर सीक्रेट रूम में पहुंच गई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस खबर का इंतज़ार बिग बॉस के फैंस हर सीजन में करते हैं कि कब कौन से कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में रखा जाएगा, तो अब आपको बता दें कि बिग बॉस ने एक कंटेस्टेंट को सीधा सीधा सीक्रेट रूम में रख दिया है और वो कंटेस्टेंट उस सीक्रेट रूम से अपने दोस्तों को देखता हुआ नज़र आ रहा है कि वो उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं या फिर नहीं। जी हाँ, अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर अब सीक्रेट रूम पूरी तरह से खुल चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द बिग बॉस तहलका भाई को अब सीधा घर से बाहर निकालने वाले हैं। तहलका ने बिग बॉस के घर के अंदर मारपीट की। तहलका अंकिता लोखंडे का काफ़ी अच्छा दोस्त है, विक्की जैन का भी काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उसने अभिषेक के साथ मारपीट की, जिसके बाद बिग बॉस ने उसे घर से बेघर कर दिया है। इससे पहले भी एक सीजन में पुनीत ने जब यहाँ पर गौतम गुलाटी से मारपीट की थी, तब पुनीत को भी इसी तरह घर से बेघर किया था, लेकिन बिग बॉस ने पुनीत को सीक्रेट रूम में डाल दिया था। ऐसे में अब हो सकता है कि तहलका भी बिग बॉस के घर से बेघर नहीं हुए हों, तहलका को बिग बॉस ने सीक्रेट रूम में डाल दिया हो ताकि तहलका ये देख सके कि उसकी पीठ पीछे विक्की जैन क्या करते हैं, उसकी पीठ पीछे अंकिता लोखंडे क्या करती है, क्योंकि अपने आप को तहलका का काफ़ी अच्छा दोस्त मानते हैं। ऐसे में अब जब सीक्रेट रूम से तहलका ये सब देखेंगे, तो देखना ये होगा कि जब उनकी एंट्री होगी तो कौन सबसे बड़ा दुश्मन तहलका का निकलता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करें, और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।